म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इतनी कम उम्र में अपनी बहू माधुरी को विधवा के रूप में देखकर कामनी को बहुत दुख होता था। वो हमेशा बस यही सोचती रहती थी कि जिस विधवा के दुख को लेकर उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, वो जिंदगी उसकी बहू माधुरी को ना गुजारनी पड़े, जिसके चलते वो हमेशा अपनी बहू पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाती रहती थी। लेकिन माधुरी हर बार अपनी सास की बात को अनसुना कर देती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कामिनी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन नीता वहाँ आती है और उससे कहती है, कैसी हो कामिनी? आजकल तो तुम पड़ोस में दिखाई तक नहीं देती हो, कहाँ रहती हो आजकल? अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी नीता बहन, घर में ही रहती हूँ, बाहर निकलने का और लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता है। मैं तेरी परेशानी को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन किस्मत के आगे किसका जोर चलता है, तुझे सारी चीज भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। नीता बहन, मैं सच बताऊँ तो मुझे अपनी चिंता नहीं है जितनी चिंता मुझे अपनी बहू की है। मेरी विधवा की जिंदगी तो कट गई, लेकिन बहू की तो अभी उम्र ही नहीं है विधवा होने की, उसके आगे तो अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, वो अकेले कब तक ऐसे अपना विधवा का जीवन काटेगी। कामनी बहन, तू अपनी बहू की दूसरी शादी कर दे। हमारे समय में दूसरी शादी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन आजकल तो किसी भी लड़की या लड़के की दूसरी शादी करना कोई बड़ी बात नहीं। नीता बहन, मैं तो अपनी बहू की दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं है। कहती है, माँ जी, मैं आपके साथ रहकर अपनी जिंदगी काट लूंगी, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, सास नहीं। अब उसे ये बात कौन समझाए कि मैं बुढ़िया उसके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती हूँ, कोई तो ऐसा चाहिए ना जो उसके साथ जिंदगी भर रह सके। कामनी और नीता की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी बहू माधुरी सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और अपनी सास कामिनी से कहती है, माँ जी, आज मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ कि आप अपने मन में से मेरी दूसरी शादी का ख्याल निकाल दीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिला, मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। बहू, ये जिंदगी इतनी छोटी नहीं है जितनी तू समझ रही है। अभी हम दोनों विधवा सास बहू को विधवा होने के जो ताने सुनने पड़ते हैं ना, वो सुनकर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले, ताकि तुझे अपनी जिंदगी में साथ चलने के लिए कम सफर मिल जाए और इस विधवा के तानों से तुझे छुटकारा मिल जाए। माँ जी, जैसे अभी तक की जिंदगी कट गई, वैसे ही आगे की भी कट जाएगी, और अगर आपको मेरा यहाँ रहना ज्यादा भारी पड़ रहा है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर कामिनी का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय दोनों विधवा सास बहू मार्केट से लौट रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसकी पड़ोसन कांता के घर में बहुत भीड़ लगी होती है। उसकी नजर अपनी दूसरी पड़ोसन नीता पर जाती है, जो कांता के घर जा रही होती है, जिसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कामिनी उससे पूछती है, नीता बहन, ये कांता बहन के घर में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? इनके घर आज कुछ है क्या? बहुत मेहमान आए हैं क्या? कामनी बहन, आज कांता बहन की बहू की गोद भराई की रस्म है और एक छोटी सी पार्टी है। उन्होंने सभी मोहल्ले वालों को बुलाया है। इतना ही नहीं, सुबह सबके घर मिठाई भी भिजवाई थी, आपके घर नहीं भिजवाई? आपको नहीं बुलाया क्या? नहीं नीता बहन, मुझे तो नहीं बुलाया, ना ही मेरे घर कोई मिठाई आई। ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ, बात कुछ समझ में नहीं आई। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि कांता बहन तो बिल्कुल आपके सामने रहती है, फिर तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? मुझे लगता है काम के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पूरे मोहल्ले वालों को बुलाए और तुम्हें छोड़ दे। जाने दीजिए माँ जी, जब हमें बुलाया ही नहीं तो उनके घर में क्या हो रहा है, इससे हमें क्या मतलब, आप चलिए घर के अंदर। नहीं नहीं बहू, मोहल्ले में रहते हैं और अगर हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर भी नहीं आएगा। मुझे लगता है नीता बहन सही कह रही है, वो काम के चक्कर में भूल गई होंगी, बाकी पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम ऐसे बिना बुलाए किसी के घर भी चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है ना? हो सकता है उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया हो। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता, कांता बहन और मेरी बहुत अच्छी बनती है, वो भूल गई होगी, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनके घर में कोई फंक्शन हो और वो मुझे ना बुलाए। बहू को आशीर्वाद देना तो बनता है ना, चल हम जल्दी ही आ जाएंगे। कामनी के बार बार कहने पर माधुरी अपनी पड़ोसन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद
माधुरी और कामिनी भी नीता के साथ कांता के घर जाती हैं और उसकी बहू को आशीर्वाद देने के लिए उसके पास जाती हैं। तभी कांता की नज़र उन दोनों पर जाती है। वो दोनों के पास जाकर उन्हें अपनी बहू से दूर करते हुए गुस्से में कहती है, तुम दोनों विधवा सास बहू की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमको बुलाया भी नहीं था, फिर अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरी बहू की गोद भराई में अपशगुन करने चली आई। ये तुम क्या कह रही हो कांता बहन, मैं तो बस तुम्हारी बहू को आशीर्वाद देने आई थी। बेचारी को कितने सालों बाद माँ बनने का सुख मिला है। हाँ, और तुम दोनों विधवा सास बहू उसी सुख में ग्रहण लगाने आई हो। कितने बेशरम हो तुम दोनों सास बहू, तुम्हारे घर में मैंने मिठाई तक नहीं भिजवाई, यहाँ तक कि अपने घर पर आने का बुलावा भी नहीं भेजा, फिर भी तुम दोनों हमारी पार्टी में लालच के चक्कर में आ गई। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि इन्होंने हमें जानकर नहीं बुलाया, उसके बाद भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आपको तो सच्चाई का पता चल गया ना, अब चलिए अपने घर। हाँ, तेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी तुम दोनों विधवाओं को अपने घर शुभ काम में बुलाकर अशुभ नहीं करवाना है। दोनों में से कोई भी शुभ काम में बुलाने लायक नहीं हो, सास बहू दोनों की दोनों विधवा हो। कांता की सारी बातें वहाँ खड़े और भी लोग सुन रहे थे। सबके सामने अपना और अपनी सास का अपमान होते हुए देखकर माधुरी को बहुत दुख होता है और वो अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे अपने घर वापस ले आती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय कामिनी को कांता के घर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे लग रहा है जैसे कांता के घर में कोई रो रहा है, हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। उनके घर में तो कोई भी नहीं है सिवाय उसकी बहू के, सब बाहर गए हैं। माँ जी, आप क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ रही हैं? उस दिन कांता आंटी ने हम दोनों सास बहू की कितनी इंसल्ट करी थी, क्योंकि हम दोनों विधवा हैं। उसके बाद भी आप फिर उनके न रहने पर उनके घर जाने की बात कर रही हैं, ताकि वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा दे। बहू, अगर हम ही उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? चलना बहू, मुझे लग रहा है उसकी बहू ही आवाज़ दे रही है। चलिए, आप वैसे भी मानने कहाँ वाली हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू कांता के घर जाती हैं और देखती हैं कि कांता की बहू अपने पेट को पकड़कर जमीन पर बैठी रो रही होती है, जिसे देखकर माधुरी अपनी सास कामिनी से कहती है, माँ जी मुझे लग रहा है इसकी डिलीवरी का समय हो गया है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा इसे। आप इसे संभालो, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर बुलाती हूँ। माधुरी इतना कहकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांता कुछ देर बाद जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। तभी वो अपनी पड़ोसन नीता से पूछती है, क्या हुआ, तुम लोगों ने मेरे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तुम्हारी बहू को लेबर पेन शुरू हो गया था, वो बहुत रो रही थी। तभी दोनों विधवा सास बहू, जिनके विधवा होने पर तुमने उनकी इंसल्ट की थी ना, उन्हें मनहूस बोला था, वही तुम्हारी बहू को पास के हॉस्पिटल लेकर गई हैं। नीता की बात सुनकर कांता भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां कामिनी उसे दादी बनने की खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर कांता बहुत खुश हो जाती है। साथ ही उसे कामिनी और उसकी बहू के साथ किए गए अपने गलत बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो दोनों सास बहू से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और फिर दोबारा उनके विधवा होने के कारण उन्हें अशुभ होने का ताना ना मारने का वादा भी करती है। दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी कोमल रो रही होती है और कोमल की माँ रीमा उसे तैयार कर रही होती है। कोमल एकदम शांत बैठी थी, उसकी आँखों से एक के बाद एक आंसू गिरे जा रहा था। तभी रीमा कोमल के आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोमल मेरी बच्ची रो मत, तुझे जिसका इंतजार है वो नहीं आएगा, वो तुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। नहीं माँ, मेरा दिल ये बात नहीं मानता, राम ने मुझसे वादा किया था, उसने कहा था मेरे प्यार का इंतजार करना, वो आएगा। मैं किसी से और से शादी नहीं कर सकती माँ, मैं बस राम की हूँ, उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो आएगा माँ, आज उसे आना ही होगा, मेरा इंतजार आज पूरा हो जाएगा। रीमा कोमल को तैयार करके उसे मंडप तक ले जाती है और पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं और फेरों के लिए जलाई हुई पवित्र अग्नि को देखकर कोमल अपने गुजरे पलों को याद करने लगती है, जब वो उससे पहली बार बुक फेयर में मिली थी। कोमल अपनी
सहेलियों के साथ बुक फेयर देखने के लिए जाती है, जहां वो कई तरीके की रोमांचक बुक्स देखती है। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है जिसका शीर्षक मेरे अधूरे सपने था। जैसे ही वो इस किताब को लेने के लिए हाथ आगे करती है, तभी एक राम नाम का लड़का उस किताब को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद कोमल उसे रोकते हुए बोलती है, जी सुनिए, रुकिए, आप ये बुक नहीं ले सकते। जी क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि ये बुक मुझे चाहिए, आप दूसरी बुक ले लो, यहाँ पर और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये मुझे दे दो। ओ, पर ये बुक तो नहीं कह रही कि इसको आपके पास जाना है। कैसा मजाक करते हो, भला किताबें भी बोलती हैं क्या? लाइए मुझे दीजिए। पर मैडम, ये इस बुक की लास्ट कॉपी है जो बड़ी मुश्किल से मिली है, स्टॉक आउट हो गया है इसका, अब ये मैं आपको नहीं दूंगा, सॉरी। कोमल उदास सा चेहरा बनाकर वहाँ से जाने लगती है, तभी राम उसे आवाज देकर रोक लेता है और बोलता है, सुनिए, एक काम करो, आप ये बुक ले लो और आराम से पढ़ लो, साथ में मेरा नंबर भी ले लो, जब आप ये बुक पढ़ लोगी तो मुझे फोन करके लौटा देना। आइडिया अच्छा है, ठीक है, ये लीजिए मेरा फोन, इसमें अपना नाम और नंबर ऐड कर दीजिए। जी जी ठीक है, ये लीजिए, कर दिया है, राम नाम है मेरा। जी मेरा नाम कोमल है, मैंने मिस कॉल किया है, आप भी ऐड कर लेना नंबर। इतना कहकर कोमल मुस्कुराती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है और आराम से किताब पढ़ने लगती है। 10 दिन बीत जाते हैं और कोमल उस किताब को पूरा पढ़ लेती है, जिसके बाद वो राम को कॉल करके कॉफी कैफे डे में बुलाती है। राम कोमल के बताए हुए टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ आता है और कोमल उससे बोलती है, क्या बात है, समय के काफी पाबंद है आप, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं किया आपने आने में। एक आर्मी मैन कभी भी लेट नहीं होता कोमल जी। ओ वाओ, आप फौजी हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए बैठिए, तो पढ़ ली आपने किताब? जी जी पढ़ ली, बहुत अच्छी है, काफी कुछ है इसमें सीखने को। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, राम और कोमल की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक दिन राम कोमल से बोलता है, कोमल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है, बस 7 दिन रह गए हैं मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि ये एक हफ्ता मैं बस तुम्हारे साथ बिताऊँ। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ राम, 7 दिन क्या, मैं तो 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, कोमल हम शिमला घूमने जा रहे हैं। इतना कहकर राम कोमल को हग कर लेता है। अगले दिन दोनों अपने शहर से शिमला के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर दोनों स्नोफॉल का मजा लेते हैं। इसी के साथ वो शिमला की कई फेमस जगह पर भी जाते हैं, जैसे माल रोड, क्राइस्टचर्च, जाखू हिल और समर हिल, और भी वो कई सारी जगह घूमते हैं। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन जब दोनों शिमला से वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कोमल बोलती है, राम मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी जिंदगी है कितनी नहीं, ये खूबसूरत वक्त फिर मिलेगा या नहीं, मैं तुम्हारे साथ कितना भी वक्त क्यों ना बिता लूं, वो हमेशा थोड़ा ही लगता है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे मेरे वो सारे हक दे दो जो मेरे हैं, मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। कोमल की बात सुनकर राम सिंदूर से कोमल की मांग को भर देता है और उसका माथा चूमता है और फिर उसे प्यार से गले लगाकर बोलता है, कोमल मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, वो भी पूरे बैंड बाजा बारात के साथ, बस तुम अपने प्यार अपने राम का इंतजार करना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, भले ही देर से आना लेकिन आ जाना, कोमल हमेशा राम की थी और उसी की रहेगी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने शहर लौट आते हैं। राम कोमल को अलविदा कहकर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। कोमल भी अपनी माँ रीमा को अपने और राम के रिश्ते के बारे में सब सच बताती है। वक्त बीतता जाता है, राम और कोमल दोनों फोन और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राम कोमल को कॉल करता है और बोलता है, कोमल बॉर्डर पर आतंकवादियों के घुसपैठ होने की वजह से लड़ाई होने ही वाली है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं,
मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे देश की रक्षा भी करनी है और तुमसे किया हुआ वादा भी निभाना है। आई लव यू कोमल, हमेशा मेरा साथ देना। आई लव यू टू राम। तुम पहले देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करो, ताकि मैं गर्व से कह सकूँ कि मेरा पति कितना बड़ा देश प्रेमी है, और फिर सही सलामत मेरे पास लौटना। मैं इंतजार करूँगी मेरे प्यार का, मेरे राम का। जय हिंद फौजी राम, जाओ और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। इतना कहकर कोमल कोल को रख देती है। राम भी बॉर्डर पर लड़ाई की तैयारियों में लग जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कई वीर जवानों की जान चली जाती है। ऐसे ही रीमा हाथ में अखबार लिए कोमल के पास भागी भागी आती है, और उस अखबार के अंदर शहीद हुए वीर जवानों के नाम में राम का नाम और तस्वीर देखकर कोमल सुन पड़ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, राम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। माँ ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती, मेरा राम जिंदा है ना माँ, ये खबर झूठी है, राम ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इंतजार अधूरा नहीं रह सकता। यूं ही रोते हुए कोमल बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब उसे होश आता है तो वो फिर राम का नाम पुकार कर चीख पड़ती है और रोना शुरू कर देती है। काफी वक्त बीत जाता है पर कोमल इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। अपनी बेटी का ये हाल देखकर और उसका भला समझते हुए रीमा उसकी शादी एक अच्छी लड़की से तय कर देती है और किसी तरह उसे समझा बुझा कर शादी के लिए मना लेती है। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर लेते हैं, पर जैसे ही रीमा फेरों के लिए कोमल का गठबंधन करने लगती है, तभी एक आवाज आती है, कोमल क्या तुम अपना वादा तोड़ दोगी? देखो आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है, मैं लौट आया। राम की आवाज सुनकर कोमल जैसे ही पीछे पलटती है तो राम फौजी की वर्दी पहनकर खड़ा था। कोमल भागती हुई उसके गले लग जाती है और बोलती है, मुझे पता था राम तुम जरूर आओगे, मेरे प्यार का इंतजार जरूर पूरा होगा। माँ देखो मेरा राम लौट आया, तुम कहाँ चले गए थे? कोमल मैं कभी तुमसे दूर गया ही नहीं था, लड़ाई के दौरान मुझे सर पर गहरी चोट लग गई थी जिस वजह से मैं कोमा में था, पर तुम्हारे प्यार और दुआ की वजह से मैं सही सलामत लौट आया। दोनों का ये प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है, और फिर राम अपनी फौजी की वर्दी पहने हुए सजी हुए मंडप में कोमल से शादी करता है और कोमल के प्यार का इंतजार खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।